दुनिया में हर व्यक्ति सुख चैन की जिंदगी जीना चाहता है। उसी के लिए रात दिन हर कोई मेहनत करता है, लेकिन कई बार दिन रात मेहनत करने पर भी कोई व्यक्ति दो वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं जुटा पाता है, तो किसी को थोड़ी सी मेहनत करने पर ही अच्छा पैसा मिल जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिना मेहनत के ही आराम से बैठे बैठे दुनिया के सारे सुख मिल जाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की क्या वजहें हैं, तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में और आप देख रहे हैं भक्ति सफर। लोगों के मेहनत करने के बाद भी कम पैसा कमाने या कम मेहनत करने पर ज्यादा कमाई प्राप्त होने के पीछे की वजहों का खुलासा ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है कि पैसा कम और ज्यादा मिलने के पीछे का कारण होता है तो उस व्यक्ति की राशि और उस पर पड़ने वाले ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव। वैसे तो कुछ लोग ग्रह नक्षत्रों के इस प्रभाव को नहीं मानते हैं और सिर्फ अपनी मेहनत पर ही भरोसा करते हैं, लेकिन ये बात वे भी मानते हैं कि जीवन में कई बार जितनी मेहनत करते हैं उसके अनुसार धन लाभ नहीं होता है और कभी कभी थोड़ी सी मेहनत करने पर ही उम्मीद से ज्यादा धन मिल जाता है। ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड पंडित बताते हैं कि हर एक ग्रह किसी न किसी राशि का स्वामी होता है और उन राशियों के स्वामी होते हैं देवता। ये देवता जिस राशि के स्वामी होते हैं वे अपनी राशि के जीवन पर उसी तरह प्रभाव डालते हैं। ये प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के होते हैं। वैसे ही आज हम आपको उन राशियों के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और उनकी कृपा होने के कारण उस राशि के जातक को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, जिससे उसको जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही वह अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को आसानी से पार कर लेता है और अपनी वाणी और कौशल के दम पर समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर माँ लक्ष्मी किन राशियों पर बरसाती हैं अपनी कृपा। पहली राशि है वृषभ राशि। इस राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं और जिस कुंडली में शुक्र मजबूत होते हैं उन लोगों के ऊपर माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हैं और उनको धन वैभव के साथ रोमांस भोग विलास की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस राशि के जातक हर एक चुनौतियों को आसानी से पार कर लेते हैं। शुक्रदेव की कृपा से इस राशि के जातकों को जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इस राशि के जातक अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। इसके बाद आते हैं कर्क राशि के जातकों पर। अगर इस राशि के जातकों की बात करें तो इनके स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को बहुत शुभ ग्रह भी माना जाता है। इस राशि के जातकों का स्वभाव काफी अच्छा होता है। वह शांत सौम्य और सरल स्वभाव के होते हैं। इसके साथ ही इस राशि के जातक काफी मेहनती और लग्नशील होता है। वैसे तो इस राशि वालों पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, लेकिन इसके अलावा भी ये लोग अपनी मेहनत के कारण हर क्षेत्र में सफलता पाने के साथ खूब कमाते हैं। इस राशि के पास कभी भी धन की कमी नहीं होती है और ये लोग अपनी सारी इच्छाओं को आसानी से पूरा कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति होती है वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है। ग्रहों के सेनापति होने के साथ साथ मंगल ग्रह को आत्मविश्वास साहस का कारक भी माना जाता है। इस राशि वाले जातकों की इच्छा शक्ति बेहद मजबूत होती है। इनके अंदर आत्मविश्वास अधिक होने के कारण ये लोग हर क्षेत्र में गजब का उत्साह दिखाते हैं। ये लोग जीवन पर ऐश्वर्य की जिंदगी बिताते हैं। चौथी और आखिरी राशि है सिंह राशि। इस राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। ठीक इस राशि के स्वामी की तरह ही इसके जातक सूर्य के समान तेजस्वी और साहसी होते हैं। इस राशि के जातकों का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक होता है और यही कारण होता है कि इन जातकों को हर क्षेत्र में आसानी से सफलता मिल जाती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा इन जातकों को प्राप्त होती है।